हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 21 से 30 सितंबर के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, जिसमें टॉप 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, साथ ही जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट हुए उनके बारे में भी चर्चा की है। दोस्तों, अगर आप हमसे कहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर पढ़ाई की और इंपोर्टेंट चीजें भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा वार्षिक मानव सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इस लिस्ट में भारत का 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। व्हाट द इंडिया पोजीशन इन द एनुअल ह्यूमन इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक? 116th पोजीशन भारत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बम्बू डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, यह है 18 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका सही ऑप्शन बी होगा। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार इसकी थीम रखी गई है बैम्बू नाउ, और आपको बता दें इस बांस दिवस की यह 11वां संस्करण है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? तो ये है सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है इस लिस्ट में। इसके अलावा बात करें सेकंड स्थान पर, तो हेलसिंकी द्वितीय स्थान पर है 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। दोस्तों, वहीं बात की जाए भारत के किस शहर की, तो भारत का हैदराबाद 85वें नंबर पर है, और वहीं बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली 86वें स्थान पर है इस लिस्ट में। तो आपको इस लिस्ट के बारे में इतना याद रखना है। वहीं बात की जाए दोस्तों, अगर भारत की ओर से 2019 में हैदराबाद 67वें स्थान पर था, तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगरीता सिरपा का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों, ये एक पर्वतारोही थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, ये 72 वर्ष के थे, और जो महान पर्वतारोही थे, इन्होंने 10 बार एवरेस्ट फतह किया है बिना ऑक्सीजन के, और इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको अंगरीता सिरपा के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, पीएम यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि पात्र किसानों को 4,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे, यानी जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किसान आते थे उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाती थी सरकार के द्वारा। अब उसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपए और जीए दिए जाएंगे, तो यानी कुल 10,000 रुपए मध्य प्रदेश के किसान को दिए जाएंगे दोनों योजनाओं को जोड़कर। तो आपको इतना याद रखना है एमपी के बारे में। दोस्तों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है एमपी का मैप। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भोपाल यहाँ की राजधानी है। लालजी टंडन जो हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, दोस्तों इनका यहाँ पर हटाना भूल गया हूँ, तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में गवर्नर हैं, और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 230 विधानसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं, वहीं 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो आपको इतना एमपी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें इस बार इसकी थीम शेपिंग पीस टुगेदर, ये थीम रखी गई है। 1981 यानी 1981 से यूएन के द्वारा शांति दिवस मनाया गया था। 2001 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कार्यकारी मुख्य जज किसे बनाया गया है? तो ये है संजय यादव। संजय यादव को मध्य प्रदेश में मुख्य कार्यकारी जज बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें अजय मित्तल रिटायर हो रहे हैं, इन्हीं के स्थान पर संजय यादव को मुख्य कार्यकारी चीफ जज बनाया गया है। दोस्तों, 2019 में भी इन्हें एक्टिंग चीफ जज बनाया गया था। तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना है, यानी मध्य प्रदेश के जो कार्यकारी नए जज होंगे वह होंगे संजय यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की
टॉप 100 की लिस्ट में किसे स्थान मिला है? तो दोस्तों इन सभी को यानी उपरोक्त सभी को टाइम मैगजीन की टॉप 100 की लिस्ट में स्थान मिला है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान खुराना और सुंदर पिचाई जो गूगल के या अल्फाबेट के सीईओ हैं, इन्हें टाइम मैगजीन की टॉप 100 की लिस्ट में स्थान दिया गया है। इसके अलावा एक और खास पर्सन है जिन्हें इस लिस्ट में स्थान दिया गया है दोस्तों, शाहीनबाग प्रोटेस्ट में आई दादी विल्किस बानो को भी टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो एक इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा मनाया जाना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट किताब के लेखक कौन है? तो रोमिला थापर जो एक महान लेखक हैं, इन्हीं की बुक का नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो बनता ही है किताब से रिलेटेड। तो ये 2020 में लॉन्च की गई एक बुक है, इनके बारे में याद रखना है। इस बुक का नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट और इसके लेखक हैं रोमिला थापर। दोस्तों इनके बारे में आपको बता दें तो इन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये जो बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट, इसमें नागरिकता कानून और NRC पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु का निधन हुआ, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है? तो दोस्तों इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में ये परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ, ये 67 वर्ष के थे। आपको इनके बारे में बता दें तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा से संचालित पहली पनडुब्बी INS अरिहंत का रिएक्टर बनाने में या इसके निर्देशन में डॉक्टर शेखर बसु का महत्वपूर्ण स्थान था या महत्वपूर्ण हाथ था, तो इसीलिए इन्हें परमाणु वैज्ञानिक कहा गया था और ये पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बाइक ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद की है? तो ये है हार्ले डेविडसन ने जो एक बाइक कंपनी है, इसने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर दी है। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल बाइक है जैसा कि आप जानते हैं। आपको बता दें ये भारत को बहुत घाटे की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर रही है। बात करते हैं हार्ले डेविडसन की, तो इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। इसके स्थापनाकर्ता विलियम हॉर्वे और आर्थर डेविडसन थे। इसका हेडक्वार्टर विस्कोन्सिन US में है और चेयरमैन जो वर्तमान है वह जोकेन जेट्स हैं। तो आपको इतना हार्ले डेविडसन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AA नमूदारी को हाल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो आपको बता दें इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। इनका नाम है AA नमूदारी। इनके पूरे नाम की बात की जाए तो अक्कीतम अच्युयोतन नमूदारी इनका पूरा नाम होता है। दोस्तों ये मलयालम के कवि हैं और इन्होंने 45 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इनकी आयु 93 वर्ष है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो दोस्तों यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानविद परिषद के द्वारा दिया जाता है। पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार का और पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में। दोस्तों अब तक कुल 60 पुरस्कार दिए जा चुके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के। तो आपको इतना याद रखना है कि 55वां अवार्ड AA नमूदारी को दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 IPL के पहले शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो दोस्तों ये हैं KL राहुल ने 2020 के IPL का पहला शतक लगाया है। दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां से आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं, वो यही क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप IPL भी देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे, लेकिन आपको पता होगा KL राहुल ने शतक बनाया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है 2020 IPL में पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो ये है KL राहुल। दोस्तों KL राहुल ने RCB के खिलाफ खेलते हुए यह IPL का शतक लगाया था। आपको पता होगा KL राहुल पंजाब की टीम से खेलते हैं और इन्होंने कुल 132 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेम स्कीम के तहत कितने चार्जिंग स्टेशनों की अनुमति मिली है? तो दोस्तों 241 चार्जिंग स्टेशनों की अनुमति हाल ही में फेम स्कीम के तहत मिली है। ये स्टेशन किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे, सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दें तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर, इन सभी जगह है ये फेम स्कीम के तहत
चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे दोस्तों। साथ ही 670 इलेक्ट्रिक बसों को भी मंजूरी प्रदान की गई है दोस्तों। आप जानते होंगे फेम योजना का ये सेकंड चरण है, जिस फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये फेम स्कीम लेकर आई है और इसका यह दूसरा चरण हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 241 स्टेशन की अनुमति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीरा परियोजना किस जिले में बनाई जाएगी? तो ये है सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में जीरा परियोजना बनाई जाएगी दोस्तों। आपको बता दें हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा 603 करोड़ रुपए के 147 कार्यों का भूमि पूजन सागर जिले के सुखी विधानसभा में किया गया है। जैसा कि आपको पता है हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, यानी उपचुनाव होने हैं, तो इसी के तहत सुर्खी में 603 करोड़ रुपए की लागत से 147 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही जीरा परियोजना भी यहीं पर बनाई जाएगी जो सागर जिले के अंदर स्थित है। बताइए सागर की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है सागर जिले। सागर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो भारत का हृदय कहा जाता है सागर को। मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण में देखने को मिलता है जो सागर में है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य भी यहीं पर स्थित है और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है ओमान की सहायता से। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे सागर के बारे में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेरा चेयरमैन के पद से हाल ही में किसे हटाया गया है? तो ये है दोस्तों एंटोनी डिसा को। एंटोनी डिसा को हाल ही में रेरा के चेयरमैन पद से हटाया गया है दोस्तों। रेरा क्या होता है तो आपको इसका फुल फॉर्म बता दें, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, इसे रेरा के नाम से जानते हैं। और इसके जो चेयरमैन थे एंटोनी डिसा, इन्हें हाल ही में हटाया है दोस्तों। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2020 को खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही एंटोनी डिसा को रेरा के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। हाल ही में बाल सुब्रमण्यम का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक महान गायक यानी सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 74 वर्ष की उम्र में बाल सुब्रमण्यम का कोरोना के कारण निधन हो गया है दोस्तों। आपको बताया 2001 में इन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 5 भाषाओं में करीब 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 21 घंटे में 21 ही गाने रिकॉर्ड करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। 6 बार इन्हें बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो आपको याद रखना है ये एक महान गायक थे, इनका नाम था बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में आशक्तता खेल केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों ये है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में आशक्तता केंद्र की आधारशिला रखी गई है दोस्तों। आपको बता दें आशक्त लोगों के लिए प्रदेश का यह पहला केंद्र है जो ग्वालियर में बनाया जा रहा है। बात आई है ग्वालियर की तो आपको इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ग्वालियर को गोपचाल के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। तानसेन की नगरी और सासबहु का मंदिर यहीं पर स्थित है। राजस्व मुख्यालय और महालेखाकार मुख्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। राजा तानसेन संगीत और कला विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में ही बसाया गया था 1957 में दोस्तों। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट यानी किलों का रत्न भी कहा जाता है। सोनचिड़िया के लिए संरक्षण के लिए घाटीगांव अभयारण्य भी ग्वालियर में ही स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ग्वालियर के बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा स्पेन कंक्रीट केबल ब्रिज कहां बनाया गया है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का सबसे लंबा स्पेन कंक्रीट केबल ब्रिज बनाया गया है दोस्तों। यह ब्रिज 233 मीटर लंबा है और फोर लाइन रोड ब्रिज बनाया गया है। आपको बता दें तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में इसे बनाया गया है। बताइए तेलंगाना की तो आपको इसके बारे में बता दें। तो दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग करके बनाया गया था दोस्तों। यहाँ का जो गान होता है वह जया जया वी तेलंगाना जननी जय कृष्णम होता है। 2 जून 2014 को यहाँ अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था। जो तेलंगाना की राजधानी वह हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ का जो राज्य पक्षी है उसे भारतीय रोलर कहा जाता है और यहाँ का जो राजकीय फूल है उसे सेना अर्ली कलता कहा जाता है। यहाँ का जो वृक्ष है वह प्रोस्पेसिस और सिनेरिया है। तो आपको इतना तेलंगाना के बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीए से कौन सा राजनीतिक दल अलग हुआ है? तो यह है अकाली दल। हाल ही में श्रोमणी अकाली दल एनडीए से अलग हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, जो एनडीए की मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने भी हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, और ये अकाली दल से ही जो है वह मंत्री थी जो हाल ही में एनडीए से अलग हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों एनडीए के बारे में। तो एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। इसका फाउंडेशन यानी इसे 1998 में खोजा गया था। इसके जो फाउंडर थे वह लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो आपको बता दें, एनडीए बहुत सी पार्टियों का मिला जुला एक गठबंधन के साथ एक राजनीतिक दल बन जाता है, जिसमें अकाली दल भी था जो हाल ही में जिसने इस दल से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली रैपिड रेल कहाँ चलाई जाएगी? तो दोस्तों ये चलाई जाएगी दिल्ली से मेरठ के बीच। दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल चलाई जाएगी। आपको बता दें, स्टेनलेस स्टील से बनी रेलवे ट्रेन फुल एयर कंडीशनिंग होगी। दोस्तों इसकी रफ्तार जो होगी वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और इसमें मोबाइल रैक, लैपटॉप, चार्जिंग, वाईफाई सुविधा भी दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों इस बार इसकी जो थीम है उसको याद रखना है। थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इन्वेंशन अ डिक्रीजेस पेंडामिक प्रिवेंशन। तो ये थीम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जा गया है? तो दोस्तों यह 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। आपको बता दें, UNWTO के द्वारा 1970 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 2020 में इसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 2020 में थीम है और आपको याद रखना है, 27 सितंबर को वर्ल्ड पर्यटन दिवस मनाया गया है। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें, 82 वर्ष में इनका निधन हुआ है। ये पिछले 6 साल से कोमा में थे। आपको बता दें, जसवंत सिंह पूर्व रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में एनडीए से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थी जसवंत सिंह भी थे। तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सचेंज टू इंफॉर्मेशन डे कब मनाया गया है? तो ये दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। इस बार जो इसकी थीम थी, द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लिप्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप, ये थीम रखी गई थी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सचेंज टू इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए किस देश से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है डेनमार्क। डेनमार्क के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई महिला चयन समिति में नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये है नीतू डेविड। नीतू डेविड को बीसीसीआई भारत महिला चयन समिति के प्रमुख के रूप में चुना गया है। इन्हें 4 वर्ष के लिए चुना गया है। ये हेमलता काला की जगह बीसीसीआई महिला चयन समिति की अध्यक्ष बनी है। दोस्तों अब बात आई है बीसीसीआई की, तो आपको इसके बारे में बता दें, बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसकी जो स्थापना है वह 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वह सौरभ गांगुली हैं। इसके अलावा बात की जाए यहाँ के मैन कोच की, यानी क्रिकेट के मैन कोच की, तो वे हैं रवि शास्त्री मैन में, और वुमन की अगर बात की जाए तो WC रमन, ये वुमन क्रिकेट के कोच हैं। तो आपको इतना बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IARI असम का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, इसे किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर IARI असम का नाम रखा गया है। दोस्तों IARI क्या होता है, आपको इसका फुल फॉर्म बता दें, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। हिंदी में कहें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका पूरा फॉर्म होता है, जिसका हाल ही में असम में उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। दोस्तों इन्हें हाल ही में अतिरिक्त प्रभार खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री का दिया गया है। आपको बता दें, इनका जो संसदीय क्षेत्र होता है वह मध्य प्रदेश का मुरैना होता है। तो आपको इतना इंपोर्टेंट फैक्ट इन सभी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस
राज्य ने खुली सिगरेट बीड़ी पर रोक लगाई है। तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खुली सिगरेट और बीड़ी पर हाल ही में रोक लगाई गई है। दोस्तों बीड़ी सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभाव की चेतावनी का फोटो ना होने पर इस पर रोक लगाई गई है और इसी को मुख्य कारण बताया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बताइए महाराष्ट्र की तो मैप में आपको इसके बारे में बता। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। यहाँ की जो राजधानी वह मुंबई है। जो हाल ही में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यसभा की कुल 19 और लोकसभा की कुल 48 यानी 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो आपको इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कोरोना वैक्सीन से संबंधित जानकारी एक ही पोर्टल पर दी जाएगी, इसे किसने बनाया है? तो इसे ICMR के द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा दोस्तों इस पोर्टल के द्वारा कोरोना वैक्सीन और भी जितनी वैक्सीन भारत में बन रही हैं इनके बारे में जानकारी एक ही पोर्टल पर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें यह पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे ICMR ने बनाया है। बताइए ICMR की तो आपको इसके बारे में जरूर बता दें। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च होता है। आपको बता दें इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वह बलराम भार्गव है। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट का हाल ही में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो दोस्तों हुरून इंडिया रिच लिस्ट का हाल ही में 9वां संस्करण जारी किया गया है। आपको बता दें इस लिस्ट में टॉप पर हैं मुकेश अंबानी। इनकी कुल आय 6,58,400 करोड़ रुपए बताई गई है हुरून के द्वारा। दोस्तों मुकेश अंबानी प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वर्तमान में एशिया के पहले और वर्ल्ड के फोर्थ सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी और सेकंड लिस्ट यानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सेकंड स्थान पर हैं हिंदुजा ब्रदर्स और थर्ड पर हैं SCL के संस्थापक शिव नाडार। तो आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है और इसका यह 9वां संस्करण था। ये मुख्य क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक बधिर दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो दोस्तों 26 सितंबर को मूक बधिर दिवस मनाया गया है। आपको बता दें विश्व बधिर संघ के द्वारा 1958 में मूक बधिर दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसे 26 सितंबर को मनाया जाना शुरू किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की 21 से 30 सितंबर के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो लाइक आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप हमें इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।